वहीं मंडी के साथ साथ शिमला लोकसभा सीट को लेकर भी चुनावी जंग तेज है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला के रोडों में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतवासी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब चुनाव भी नहीं हुए और दुनिया भर के देशों ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आमंत्रित किया है। यह भरोसा नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का परिणाम है। जिस सरकार में चारों तरफ जो है एक तरह का इस प्रकार का माहौल खड़ा हुआ है कि विश्वास नाम की कोई भरोसे नाम की कोई चीज नहीं रहती। और पिछले दिनों जो हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद बहुत रोना रो रहे हैं। अपने सुक्खू भाई जी नाम तो बहुत अच्छा है और नाम सरकार का भी ऐसे जोड़ा कि सुखू सरकार सुख की सरकार और सुख किसी को भी नहीं प्राप्त हो रहा और स्वयं को भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। पहले सरकार बनी तो रोते रहे इस बात को लेकर के रोते रहे कि जयराम ने कर्जा लिया। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई तो आत्महत्या लेना भाई।